To my channel, this is Priya Bhargav. Today we are going to do the last section of Unit 3, Multilingualism and Cognition. This Unit 3 is from Block 3, MPC 001. Today we are going to cover the sections Acquisition of Second Language, Single System versus Dual System Hypothesis, Neural Mechanism of Multilinguals. These topics we are going to cover, which you are seeing in blue section. So I would like to request you guys to subscribe my channel, share this video to rest of the students, do like the video and comment below the video. So jin students ne abhi naya join kiya hai, unke liye ye information hai. Jahan pe bhi aap pink color ka highlight dekhenge, iska matlab wo portion एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क किए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम्स को देखते हुए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखते हुए. आज हम यूनिट 3 का लास्ट सेक्शंस कवर करने जा रहे हैं जो ब्लॉक 3 एमपीसी 001 यानी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है. सो आज का टॉपिक है अपना, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक. मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस इससे पहले बना चुकी हूँ और आज ये 4th वीडियो है जिसमें हम एक्विजिशन ऑफ ए सेकंड लैंग्वेज, इसमें पिंक हाइलाइटिंग आप देख सकते हैं, इसका मतलब ये सेक्शन एग्जाम में आ चुका है. सो आपको इसको थोड़ा ध्यान से करना है. अब इसका मतलब क्या हुआ, टॉपिक क्या कहना चाहता है? टॉपिक कहना चाहता है कि जो सेकेंड लैंग्वेज हम सीखते हैं तो क्या होता है, कैसे सीखते हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा होता है, हम क्या उम्र से फ़र्क पड़ता है, लैंग्वेज जो लर्न करते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में करते हैं, डिफरेंट एज और जो लैंग्वेजेस हम लर्न कर रहे हैं वो डिफरेंट एजेस में लर्न करते हैं, कोई चाइल्डहुड में ही सीख लेता है, कोई बड़े होकर सीखता है, अपने हॉबी के हिसाब से सीखते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में सीखते हैं, कभी कभी जॉब हमें परमिट करता है कि हम लैंग्वेज सीखें. सो ये हमें देखना होता है. एंड कभी कभी डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस से सीखते हैं. डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस का मतलब हो सकता है कि हमारा जो दिमाग है वो दूसरे तरीके से काम करता है, दूसरा इंसान दूसरे तरीके से काम करता है और जो वो सीखता है वो जल्दी सीख जाता है, हम स्लो सीखते हैं, तो कुछ भी हो सकता है. सो लेकिन अगर हम डिफरेंट एजेस में सीख रहे हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में सीख रहे हैं और हमारा लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस अलग है, तो क्या ये हमारी लैंग्वेज लर्निंग में कोई फ़र्क डालता है? सो अगर आप देखें तो इसके कंसीक्वेंसेस ज़रूर होते हैं, क्योंकि हम जो भी भाषाएं सीखते हैं उससे ली हुई इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में कहीं ना कहीं जाके स्टोर होती है. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जब हम सोशल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके वैरायटीज हमें मिलेंगी किस तरह से हमने दूसरी भाषाएं एक्वायर की हैं. तो जो अभी रिसेंटली रिसर्च हुई है उन्होंने ये बताया है कि जो पैसिव एक्सपोजर होता है, पैसिव एक्सपोजर मतलब हम लैंग्वेज सीख नहीं रहे लेकिन हम सुन रहे हैं लोगों से, लोग बोल रहे हैं और उन वो जब बोलते हैं तब हम उनसे इनडायरेक्टली लर्न कर रहे हैं, अनइंटेंशनली जो लर्न होती है लैंग्वेज उसको हम बोलते हैं पैसिव एक्सपोजर. तो पैसिव एक्सपोजर जब हमारा होता है दूसरी लैंग्वेजेस से, अब ये कब हुआ है ये डिपेंड करता है, क्या हमने चाइल्डहुड में किया है दूसरी लैंग्वेज को लर्न और उससे क्या होता है, अगर वो हमने लैंग्वेजेस सुन ली तो वो हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगी और हमारी जो कॉम्पिटेंस है उससे बढ़ेगी. और बाकी अगर आगे की स्टेजेस में जाके हम वो लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें उसमें हेल्प भी मिलेगा, ऐसा स्टडीज़ ने हमें बताया है जो पहले स्टडी हो गई है. रिसर्चर्स ने ये भी बताया है कि जब कुछ एस्पेक्ट है सेकंड लैंग्वेज के, जैसे कि वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन एंड फ्लुएंसी, ये एक्वायर की जा सकती है एडोलेसेंस के टाइम के बाद भी. और जब ये फ्लुएंसी और वोकैबुलरी की बात करें तो हम किसी भी एज में अच्छे से एक्वायर कर सकते हैं, चाहे हम छोटी उम्र में सीख रहे हैं, चाहे बड़ी उम्र में सीख रहे हैं, कैसी भी उम्र में सीख रहे हैं, हमारे को वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, फ्लुएंसी एक जैसी होगी. लेकिन एक्सेंट जो होता है, जो बोलने का स्टाइल है, वो तभी अच्छे से आता है जब आप बहुत छोटी उम्र में उस चीज़ को सीखते हैं.
आपने बहुत छोटी उम्र में उस लैंग्वेज को सीख लिया हो तो आप में एक्सेंट वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है, जो बड़े होके होने में डिफ़िकल्टी होती है। अगेन आपने देखा होगा जो एडल्ट्स हैं उनको बड़ा मुश्किल होता है कोई दूसरी भाषा सीखने में। क्यों होती है मुश्किल? क्योंकि वो इतने ज़्यादा यूज टू हो गए होते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज से कि वो लैंग्वेज उनकी डोमिनेंट लैंग्वेज बन गई होती है। तो ये जो यंग चिल्ड्रन होते हैं जो स्कूल जाते हैं और वहाँ पर नई भाषा सीखते हैं तो वो जल्दी से स्विच कर देते हैं अपनी डोमिनेंट लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। सो इसीलिए उनके लिए न्यू लैंग्वेज सीखना बहुत आसान होता है और वो उसमें मास्टरी भी बहुत आसानी से ले लेते हैं एज कम्पेयर टू एडल्ट्स, ये भी स्टडीज़ ने बताया। अगेन अगर हम सेकंड लैंग्वेज की लर्निंग की बात करें और कॉग्निटिव प्रोसीजर्स की बात करें कि कैसे हम सीखते हैं, तो इसमें बताया है कि जो लर्नर्स होते हैं वो अपने ग्रामर को धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं न्यू लैंग्वेज की। न्यू लैंग्वेज में जो भी ग्रामर होती है उसको प्रोग्रेसिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं। और एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में हमने बात की थी LAD पहले चोमस्की की, तो वो LAD के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें LAD हमें हेल्प करता है जब हम कोई दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हमें कंपिटेंट मेम्बर उस कम्युनिटी का हमें सिखाए तो हम और अच्छे से सीख लेते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम उसको कहते हैं। तो अगर हम सोशली इंटरेक्ट करते हैं, हमने एक तो सीखी खुद से और दूसरी अगर हम उस कम्युनिटी के किसी मेंबर से इंटरेक्ट करते हैं तो हमारी लर्निंग बहुत अच्छी होती है सेकंड लैंग्वेज की। एक उसको बोलेंगे हम कि कम्पिटेंट मेंबर होना बहुत ज़रूरी है हमें अच्छी लैंग्वेज सीखने के लिए। अगेन और रिसर्चेस जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में हुई है वो ये भी बताती हैं कुछ इंटरैक्टिव प्रोसीजर्स होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं इस सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे हमारी नेटिव भाषा में कोई बात नहीं करता, तब हमें ऑब्वियसली हमें वो भाषा में बात करनी होगी जो वहाँ पे बोली जाती है। तो जब हम बात करते हैं और कंटिन्यूसली हम उसको रिपीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लर्न कर जाते हैं। यानी कि अगर आप कंपल्शन लगा दें स्कूल में, सपोज़ ये रूल है कि इंग्लिश में ही बात करेंगे सब और आप बोल दें कि हिंदी में कोई नहीं बात करेगा, तो ऑब्वियसली एक टाइम के बाद बच्चा अपने आप ही इंग्लिश में फ्लुएंट होने लगेगा क्योंकि वो उसकी मजबूरी हो जाएगी बात करने के लिए, हिंदी में कोई जवाब नहीं देगा। तो इनका कहने का मतलब ये है। अगेन एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है यहाँ पे आपको थोड़ा क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए, व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस फैसिलिटेट सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस होता है लर्निंग एक्सपीरियंस जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में हेल्प करता है? सो इसका कोई करेक्ट आंसर हमें नहीं मिल पाएगा, लेकिन हर एक इंडिविजुअल जो होता है उस इंडिविजुअल लैंग्वेज लर्नर में अलग अलग कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती है, ये तो आपको पता ही है। मेरी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ अलग हैं, आपकी अलग हैं, सबकी अलग होती है। और लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस की जो नॉलेज है वो भी अलग अलग होगी सबकी। इसीलिए हम इसका जवाब नहीं दे पाएंगे कि क्या ऐसी चीज़ है जो हमें लैंग्वेज सीखने में हेल्प करेगा। और फिर हमारे एक्सपीरियंसेस जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के टाइम पे हैं वो मैच करना चाहिए उस कॉन्टेक्स्ट में, उसके यूजेस में। जैसे कि हर एक इंसान जब भाषा सीखता है तो वो किस सिनेरियो, किस रीज़न से सीख रहा है वो बहुत मैटर करता है। लाइक अगर कोई स्कूल का बच्चा सीख रहा है तो उसके लिए सिर्फ फर्स्ट क्लास का बच्चा सीख रहा है तो उसको कैट बैट रैट आता है, यानी उसकी इंग्लिश अच्छी है। कोई बड़ी सीनियर क्लास का है, अगर उसको पैराग्राफ राइटिंग आती है तो उसकी इंग्लिश अच्छी है। तो हम उसकी ग्रेडिंग करते हैं उस बेसिस पे कि वो किस सिनेरियो में, उस किस कॉन्टेक्स्ट में उस लैंग्वेज को सीख रहा है। इसीलिए हम उसका आंसर नहीं दे सकते कि किस तरह की लैंग्वेज लर्निंग बेटर है। इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे बताई है कि जब स्पीकर्स होते हैं एक लैंग्वेज लर्न के अलावा दूसरी लैंग्वेज भी लर्न करते हैं, ये लैंग्वेजेस में उन्हें तरह तरह की डिफ़िकल्टीज आती है और हर एक लर्नर की डिफ़िकल्टी का लेवल अलग अलग होगा। जैसे कि ऑन एन एवरेज कोई नेटिव स्पीकर जो इंग्लिश का होगा वो स्पेनिश बहुत आसानी से सीख लेगा क्योंकि स्पेनिश और इंग्लिश मिलते हैं। लेकिन अगर मैं इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन को ये बोलूं कि वो रशियन सीखे तो उसको दिक्कत आएगी क्योंकि रशियन एंड इंग्लिश नहीं मिलते। लेकिन रशिया में पैदा होने वाला बच्चा वो उतनी ही फ्लुएंटली रशियन सीख जाएगा जैसे कि
इंग्लिश, यूएस में बॉर्न होने वाला वहाँ का बच्चा इंग्लिश सीखता है। सो यानी कि हम जिस माहौल में रहते हैं वो बहुत अफेक्ट करता है कि हम वो लैंग्वेज सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, क्या हमारी लैंग्वेज उस लैंग्वेज से रिजेंबल करती है कि नहीं करती है। तो जो हिंदी स्पीकिंग है वो संस्कृत आसानी से सीख जाएंगे, तमिल बोलने वाला तेलुगु आसानी से सीख जाएगा। तो इट इज़ लाइक दैट। नाउ सिंगल सिस्टम वर्सेस डुअल सिस्टम हाइपोथेसिस क्या है? सिंगल सिस्टम हाइपोथेसिस सजेस्ट करती है कि दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस जो होती हैं वो हमारे दिमाग के एक ही रीजन में स्टोर होती है इनकी इन्फॉर्मेशन। आप चाहे चार लैंग्वेज सीखे चाहे दस सीखे, लेकिन दिमाग के एक ही पार्ट में स्टोर होती है। डुअल सिस्टम हाइपोथेसिस कहती है कि ये जितनी भाषाएं आप सीखेंगे दिमाग के अलग अलग एरियाज में वो जाके उसके डाटा स्टोर होते हैं। तो मल्टीलिंगुअलिज्म को जब हम अप्रोच करते हैं, हम जानना चाहते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में और ये देखना चाहते हैं कि कैसे हमारा कग्निशन होता है और किस तरह से लैंग्वेज एक्विजिशन हेल्प करती है हमें। सो इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हुई और ये दोनों जो हाइपोथेसिस बनी है वो इसी के बेसिस पे बनी है। सो इस पर क्या किया गया आगे? सपोज इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक मल्टीलिंगुअल पर्सन है, उसका ब्रेन डैमेज हो गया है एक पर्टिकुलर ब्रेन के एरिया में। सो जो कंक्लूजन हम निकालते हैं डुअल सिस्टम हाइपोथेसिस का, तो डुअल सिस्टम हाइपोथेसिस क्या बोलती है? अलग अलग रीजन में अलग अलग भाषाएं के बारे में स्टोर होता है। तो जो इंडिविजुअल है वो अलग अलग डिग्री का एम्पेयरमेंट दिखाएगा डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए, क्योंकि उसका ब्रेन का एक पार्ट डैमेज हुआ है ना। तो उस एरिया में जो लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन उसने स्टोर की होगी वही पोर्शन खराब हुआ होगा, बाकी जो पोर्शन में उसकी दूसरी लैंग्वेज को स्टोर है वो थोड़ी ना डैमेज हुआ है। तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि अगर ब्रेन डैमेज हुआ है तो कहाँ जहाँ जितना डैमेज है उस हिसाब से उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में डिफेक्ट आएगा। सिंगल सिस्टम का व्यू है वो ये सजेस्ट करती है equal amount of impairment would be there in languages. So this इस तरह का ये logic लगाया है इन दोनों hypothesis में और इसका कोई solid proof नहीं मिला है। जब language जब कोई बंदा recover हो रहा होता है trauma से, तो ये study ने ये बताया है कि first language रिकवर हो जाती है पहले, और जो second language है जो उसने बाद में सीखी थी वो recover होती है। सो इन्होंने यहाँ पे लिखा है व्हेन रिकवरी ऑफ द लैंग्वेज आफ्टर ट्रॉमा इज स्टडीड समटाइम्स द फर्स्ट लैंग्वेज रिकवर्स फर्स्ट समटाइम्स, यानी कि हम कुछ कह नहीं सकते कि फर्स्ट लैंग्वेज पहले रिकवर होगी कि सेकंड, कुछ भी हो जाता है एंड कभी कभी दोनों एक साथ रिकवर होती है, ऐसी स्टडीज ने भी बताया है। नाउ कमिंग फर्दर, मैं कुछ सेक्शंस छोड़ रही हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो इसीलिए आई एम स्किपिंग सम ऑफ द टॉपिक्स। लाइक इसमें इन्होंने बायलिंगुअल एफेसिया की भी बात करी हुई है कि जो दो भाषाएं बोलता है और उसको कुछ भाषा बोलने में डिफेक्ट भी आता है और वो नेटिव लैंग्वेज में ट्रेंड है, तो उसको क्या क्या सेकेंड लैंग्वेज में, अगर फर्स्ट लैंग्वेज में ट्रेनिंग दी है तो वो फर्स्ट लैंग्वेज रिकवर करेगा, सेकेंड में दी है तो सेकेंड रिकवर करेगा। तो एज सच कुछ ज़्यादा उस स्टडीज़ के बारे में कुछ बताया नहीं है इन्होंने। अगेन कुछ दो इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो मैप करते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स का रीजन। सेरिब्रल कॉर्टेक्स अपने दिमाग का एक एरिया है, इट्स अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो उस रीजन में सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ही लैंग्वेजेस स्टोर होती हैं। सो अगर कोई पेशेंट, इन्होंने क्या किया एक स्टडी में, इसमें इन्होंने दो पेशेंट्स लिए जिन्हें एपिलेप्सी की प्रॉब्लम थी और दोनों ही बायलिंगुअल थे। अब इन्होंने माइल्ड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से कॉर्टेक्स का, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का वो हर एक पेशेंट, दोनों पेशेंट्स में वो एक पर्टिकुलर एरिया को इनहिबिट कर दिया, उसकी एक्टिविटीज़ को इनहिबिट कर दिया, मतलब जो उस कॉर्टेक्स के एरिया में जहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दिया था उसको इनसेंसिटिव कर दिया, उसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर दिया थोड़ी देर के लिए। तो उन्होंने ये देखा इनकी जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो गई है कुछ चीज़, कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम लेने में, जिस क्योंकि उस एरिया में मेमोरी के उस सेक्शन में कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर थी। सो ये इनको पता चला है। और भी इन्होंने एक और चीज़ बताई है कि दो लैंग्वेजेस के कुछ एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो एक ही एरिया में भी रिप्रेजेंट होते हैं, ऐसा स्टडी कहते हैं। मतलब अगर दो लैंग्वेजेस किसी चीज़ में कॉमन है तो वो एक ही एरिया में स्टोर होगी, अगर वो सेप और कुछ कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं दोनों लैंग्वेजेस के वो सेपरेटली स्टोर होते हैं।
Now, last topic of this unit and this video also, neural mechanism of multilinguals. This is also an important one since it is highlighted with pink. तो इसमें इन्होंने क्या किया है, functional magnetic resonance imaging जिसे fMRI कहा जाता है वो निकाला गया और उसमें बहुत सारे factors के बारे में बताया है. जैसे क्वेश्चंस क्या हैं, वेदर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बायलिंगुअल्स. बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड बायलिंगुअल्स में क्या डिफरेंस होता है, उनके दिमाग में कुछ डिफरेंस होता है. बैलेंस्ड मतलब जो दोनों भाषाएं बराबर से बोल पाते हैं, अनबैलेंस्ड मतलब दोनों भाषाएं बराबर से नहीं बोल पाते हैं. सो क्या इनके न्यूरल नेटवर्क्स में कुछ रिलेशन होता है जब ये सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं क्या, और क्लासिकल लैंग्वेज सेंटर अलग होता है क्या, क्या है ये, और क्या ये दोनों आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं, कैसा, क्या समझ में आया. तो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो अर्ली बायलिंगुअल्स होते हैं वो अपना एक अर्ली बायलिंगुअल्स मतलब छोटे में जो दो भाषाएं सीख लेते हैं वो लोग, वो न्यूरल नेटवर्क इतना अच्छा बना लेते हैं कि आगे भी वो सफिशेंटली एडेप्ट हो जाता है कि और अगर लैंग्वेज सीखेंगे तो वो उस न्यूरल नेटवर्क में अच्छे से सेट हो जाएगा. जो बाद में बायलिंगुअल्स होते हैं यानी बाद में जो दो भाषाएं सीखते हैं उनको न्यूरल एरियाज स्टैब्लिश करने पड़ते हैं सो दैट बाद में जब वो लैंग्वेज एक्वायर करेंगे तो वो अच्छे से हो जाएगा, गारंटी हो जाएगी कि उनकी डेवलपमेंट अच्छे से होगी, वो जो नई लैंग्वेज सीख रहे हैं वो अच्छे से सीख पाएंगे. तो ये हमें इससे पता चला है. बाकी चीज़ें जो इसमें दी हैं वो इसी से यही हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, उसी को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है. अगर बेसिक आपको थोड़ा पता हो तो आप खुद पढ़ के कर सकते हैं इसका. सो दिस इज़ वॉट वी गॉट थ्रू न्यूरल मैकेनिज्म ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म. I hope my videos are useful to you, and do not forget to subscribe, like and share my videos to rest of the students so that everyone gets help out of it. Thanks for watching. Take care. Bye bye.